नमस्कार भाई साहब, नमस्कार नमस्कार साहब। तो ये सब आम भैया जी, ये आम की अपनी कंडीशन ही यही है, हम लोग मर गए समझ लीजिए। धुलाई कराई है और आम हमारा ये काला काले मुंह का, उसके बाद ये खराब हो गया सब। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो पहला लॉकडाउन 21 दिन का प्रधानमंत्री जी द्वारा के आदेश पर लगाया गया, उसमें वो इतना सख्त था और लोगों ने उस लॉकडाउन को पूरी तरह से निभाया भी, तो हमें ट्रैक्टर नहीं मिल पाया धुलाई के लिए, हमें दवा नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से एक रुझी बीमारी चलती है जो गेहूं कटने के बाद में चलती है। हाँ। वो आम पे आ गई, उसको हम धो नहीं पाए। ये हमारा काम है, ये पूरा सारे आम को देख लीजिए, आप खुद कहेंगे ये आम है खाने वाला है, जबकि हम लोग ने बड़ी मेहनत की, 6-7 साल धुलाई कराई। ये आम अच्छा है देखने में, किसी को भी अगर इसमें जाएगा तो ये काला है, लेकिन आम जो है अंदर से बिल्कुल साफ सुथरा, ये देखिए खाने वाला है। छिलका इतना खराब हो गया है कि इसको आदमी कह रहा है ये क्या है। हमारे अगर किसी जानने वाले ने ये मांगा भी तो उसे ये कह दिया कि इस बार आम अगर देंगे तो संबंध बनेगा नहीं बल्कि और खराब हो जाएंगे। इसमें हम लोग ये फेंक रहे हैं, देखिए निकाल निकाल के फेंक रहे हैं बाहर, सब खराब आम रखा दिन भर हम लोग। ये सब बेहतरीन दशहरी है और शानदार दशहरी, हमने दशहरी को देखिए कितनी बेहतरीन है, ये देखिए साइज में बढ़िया, इतना अच्छा खाने में जो टेस्ट दशहरी में होता है। ये सरकार का आदेश जो हम लोगों ने 21 दिन का माना था, ये 2 रुख है इसके, वो खराब हो गया, खराब हो गया, किसान मर गया। पूरी मंडी 5 रुपए किलो की दशहरी का रेट है यहाँ पर, और हमारे वहाँ से 100-100 गत्ते 200-200 गत्ते गिफ्ट में जाते थे, देते शर्म आ रही। किसान हमारा मुंह छुपा रहा यूं करके, कहता है हम मर गए क्या करें, दिन भर मेहनत करके बिन के लाते हैं यहाँ मंडी में, यह शहर बिक नहीं रहा। तो पाजी आलू को फेंकते हुए देखा था, टमाटर को फेंकते हुए किसानों को देखा था, लेकिन साहब जब मलिहाबाद आए तो हमने आमों को भी ऐसी तरह से फेंके हुए देखा। मुझे दुख हुआ क्योंकि बड़े कारगर फल है ये पाजी, पोटेशियम का बड़ा जबरदस्त सोर्स है, कैल्शियम का तो नायाब सोर्स है ये, जिसको लेकर कोरोना में बहुत सारी बातें हैं, और ये बड़ा जबरदस्त फल है, लेकिन अगर इस तरह से फेंका जा रहा है तो बहुत दुख हुआ। आम खा के जिंदगी बढ़ जाती है लोगों की, आम खा के सीजन में जिंदगी बढ़ जाती है। हाँ। मगर आम से अब की पता नहीं लोग घृणा करने लगे हैं, ये देखिए ये आम है पूरे पूरे सर, पूरी पूरी गाड़ी फेंकी गई भैया जी, पूरी पूरी गाड़ी फेंकी गई है अब की पूरे पूरे। भाई आम के बारे में कहा जाता है ये फलों का राजा है, और इसको खाने से ये भी मशहूर है कि जिंदगी बढ़ जाती है, मतलब इससे मोहब्बत जिंदगी बढ़ जाती है, हम लोग यही कहते हैं, हम लोग इसी में जी रहे हैं भाजी, सेहत बढ़ती है। बात सच तो ये है कि इतनी मोहब्बत इसमें, ये तासीर है कि वो मिठास है कि मैं क्या कहूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। लेकिन भाजी हालात कुछ ऐसे बने कि अर्श और फर्श, सुना है ना अर्श से फर्श। हाँ जी, 6 किलो वजन हमारा बढ़ा है, 4 बार बढ़ता था आपकी घटा है, क्या बात है। ये देखिए दशहरी, ये दशहरी देखिए आप, ये दशहरी है कल आई है और आज इसका हशर है, इतनी शानदार दशहरी है, लेकिन इसकी वजह से जो ये स्टॉक पड़े हैं इसका कोई ग्राहक नहीं है, और ये किसी को दी भी नहीं जा सकती क्योंकि दूसरे लोगों को